आज से कुछ दिन पहले डकी भाई लाइव बैठे हुए थे बाबा ओपी के फ्लैट में, जे प्लेज और उनके कुछ दोस्त और बाबा ओपी के साथ। मैं आज ही करूंगा, भौंकना बंद कर। और डकी तू भी इंसान का बच्चा बन, मजाक को मजाक में लो, पर्सनल लाइफ में चले मेरी। अब चले भौंकना बंद कर तू कुत्ते। डिग्गी खोल जितने लेटेस्ट यूट्यूबर्स थे जो मतलब लेटेस्ट इस टाइम हाई रैंक पे जा रहे हैं, हाई जिनकी इस टाइम रैंकिंग जा रही है चैनलों की, लाइक डकी भाई लगा लो, इंडिया के ट्रिगर इंसान लगा लो, या कैरी मिनाटी लगा लो, या कोई भी बड़ा यूट्यूबर लगा लो, जितने बड़े यूट्यूबर्स, उन्होंने एक ऐसी ऐप पाई थी बिल्कुल नई नई 2017 18 16 में, टिकटॉक जिसका नाम था। उस ऐप पे हर यूट्यूबर ने रोस्टिंग यूट्यूबर्स ने रोस्ट किया था उस ऐप को। उसके अंदर जितने टिकटॉकर क्रिएटर्स थे उन सबको रोस्ट किया था बारी बारी, और इतना रोस्ट किया था कि मैं कहता हूँ सब यूट्यूबर्स को फेम मिला एक सिर्फ टिकटॉक की वजह से। हमारे पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर जिसमें डक्की भाई भी आते हैं, डक्की भाई ने भी मेन जो फेम उठाया वो भी टिकटॉक ऐप ही है, जिसको जलील कर करके डक्की भाई हमारे हाई रैंक पे आ गए, मशहूर हो गए, पाकिस्तानी टॉप नंबर वन व्लॉगर यूट्यूबर बन गए भाई, टॉप नंबर वन रोस्टिंग चैनल जिनका बन गया भाई। तो आज हम बात कर रहे हैं उस ऐप की, उस ऐप जिस ऐप को पहले कोई मुंह लगा के नहीं राजी था, उस ऐप जिसपे लोग रोस्टिंग वीडियोस बना रहे थे, आज वही ऐप है जो इन सारे यूट्यूबरों को अपने अंदर लाइव वीडियो बनाने पर मजबूर कर देती है भाई। सारे यूट्यूबर जितने पाकिस्तान के यूट्यूबर है, डक्की भाई हो गया, बाबा ओपी हो गया, जे प्लेज हो गया, रजब भट्ट हो गया, उमर हो गया, जितने बड़े यूट्यूबर है भाई सब टिकटॉक के अंदर लाइव बैठ के पैसे कमा रहे हैं। पैसे कैसे कमा रहे हैं वो सिलसिला सारा आपको एक वीडियो के अंदर बता दूंगा, लेकिन जितने यूट्यूबर हैं उन्होंने जितना इस ऐप को रोस्ट किया था, आज वो ऐप उतना ही उन यूट्यूबर्स को रोस्ट कर रही है। वो भी कैसे, आज से कुछ दिन पहले डक्की भाई लाइव बैठे हुए थे बाबा ओपी के फ्लैट में, जे प्लेज और उनके कुछ दोस्त और बाबा ओपी के साथ लाइव इन्होंने मैच लगाया था, जिसमें इनके साथ दो लड़कियां थी और एक था उमर। उमर वो यूट्यूबर जिसने आज से काफी साल पहले टिकटॉक के अंदर एक अच्छा खासा फेम उठाया जन्नत मिर्जा वगैरह के साथ, वो यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ, वो टिकटॉकर की सॉरी मैं बात कर रहा हूँ जो टिकटॉक से यूट्यूब की तरफ आ गया है फेम उठाते उठाते, वो भी एक अच्छा ब्लॉगर बन गया। उमर ने भाई टिकटॉक से फेम उठा के यूट्यूब से फेम उठा के एक ब्लॉगर लाइफ स्टार्ट कर दी, जिसमें उसने अपने एक काफी फेम उठाया ब्लॉग में से। फेम उठाने के बाद भाई टिकटॉक ने एक नया फंक्शन दे दिया जिसमें लाइव बैठते हैं, लाइव बैठ के इनके आपस में मैचेस होते हैं, और जब मैचेस होते हैं तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, बीच में से अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। बीच में से कमाते कैसे हैं कि मैंने शायद लास्ट भी एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया भी था कि एक मैच होगा उसमें दो यूट्यूबर्स या चार यूट्यूबर्स बैठ के, यूट्यूबर्स ने लाइक चार लोग बैठ के लाइव मैच खेलेंगे, मैच ऐसे खेलेंगे कि उनके जो सपोर्टर्स होंगे, उनके जो फैंस होंगे वो उनको डबल टैप करेंगे, डबल टैप करने पे पॉइंट्स ऐड होते हैं, या फिर उनको खुद पैसे लगा के पॉइंट्स पे गिफ्ट भेजेंगे और गिफ्ट के बदले में इनको मिलेंगे पॉइंट्स, और जिसके पॉइंट्स होंगे ज्यादा वो जो हो जाएगा विन, और जो लॉस्ट हो जाएगा तो विनर उसको एक देगा चैलेंज, एक देगा डेयर, तो उसको वो डेयर करना पड़ेगा। और ऐसे ही इनमें से जो पॉइंट्स मिलते हैं इनको लाइक लगा लो, अगर वो एक विनर ने 2 लाख पॉइंट जीत लिए तो वो 2 लाख पॉइंट्स की कैलकुलेशन होके टैक्सेस डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनको अकाउंट में मिलेंगे डॉलर्स, है ना भाई। और ये इतना पैसा इस तरह कमा रहे हैं कि इनको यूट्यूब पर वीडियोस डालने की जरूरत ही नहीं है। जितने यूट्यूबर्स, काफी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डालने छोड़ दिया, लाइक ज्यादा ही लगा लो, शाम अदरीस से भी भाई जितना इसने यूट्यूब से फेम उठाया, अब ये भी शाम अदरीस भी हर टाइम टिकटॉक पे लाइव बैठ के डॉलर कमा रहा है। उसने कहा छोड़ो यूट्यूब, जड़ी मेहनत करनी है, अब बाहर निकल के व्लॉगिंग वीडियो करनी पैनी हो, उनका घर बैठे वीडियो बनाओ यार, आराम से लाइव बैठो पैसे कमाओ, बात खत्म, बस करना क्या है
जस्ट बकवास, गालियां निकालनी है एक दूसरे को, एक दूसरे को इतना रोस्ट करना है लाइव बैठ के कि लोग आपसे इम्प्रेस हों कि यार ये बंदा कुछ तो है इसमें, और आपको गिफ्ट भेजे। इसके बावजूद भाई अब जब लास्ट डेज में एक मैच हुआ जिसमें डक्की भाई थी, उसके साथ एक लड़की थी और साइड पे उमर था और उसके साथ एक लड़की थी, इन दोनों का आपस में मैच हुआ। डक्की भाई एक अच्छी लीड के साथ मैच जीत रहे थे और लास्ट 6 सेकंड में उमर ने बाजी पलट दी। आप वीडियो देखो। अब यहाँ पे उमर ने बाजी पलट के कहाँ पे डक्की भाई के कोई काफी पॉइंट्स होने के बावजूद उसने 50-60 हजार की लीड मार के उमर ने मैच जीत लिया। अब डक्की भाई के साथ था जे प्लेस, तो इनको पनिशमेंट मिलनी थी उमर की तरफ से, और उमर ने 4 पनिशमेंट दी जिसमें से सबसे नंबर 1 पे था कान पकड़ना, 2nd पे था डांस करना, 3rd पे था मिर्च खाना। ठीक है, अब टक्की ने कहा मैं तो बैठा हूँ भाई इसके फ्लैट में, बाबा ऑपी के इधर मिर्च वगैरह तो मिलेगी नहीं, और मैं मुर्गा बन नहीं सकता हूँ, मेरे घुटने पर लगी हुई है चोट तो मेरे पाँव बैंड नहीं हो सकेंगे, तो इन्होंने इस तरह करके टाल दी। तो टक्की ने कहा चलो मैं मुर्गा बन रहा हूँ, टक्की मुर्गा बनना है तो चंद सेकंड के लिए भी बना ही था, तो उमर ने साथ ही कह दिया कि यार मुर्गा बनो और अपनी पीठ के ऊपर बिठाओ जे प्लेस को, और टक्की इस बात को सुन के फौरन उठ के आके जे पे बैठ गई, और टक्की ने कहा मुर्गा बनने का चैलेंज था मैं मुर्गा बन चुका हूँ। तो इतनी देर में उमर ने गुस्सा खा कर बोला कि नहीं चैलेंज तुम्हें करना नहीं आता है, तुम ड्रामे कर रहे हो, तुम आज पहली दफा लाइव नहीं आए, तुम पहले भी आते हो, तुम्हें सब पता है कि मुर्गा कम से कम 2 मिनट बनना पड़ता है टिकटॉक लाइव के अंदर जो रूल्स चलते हैं पनिशमेंट के। बट इतनी देर में जे प्लेस को आया कीरा और जे प्लेस ने उमर को बात कर दी जन्नत मिर्जा की या उसकी बहन की। इतने में उमर ने इतना गुस्सा खाया कि उसने इतनी वाहियात गालियां निकाली हैं कि गालियां आप सुन ही लो। मैं आज ही करूंगा, भोंकना बंद कर और डकी तू भी इंसान का बच्चा बन, मजाक को मजाक में लो, पर्सनल लाइफ में जाना मेरी अब, रोला डाल के कुछ नहीं होता भाई, और चले भोंकना बंद कर, तू कुत्ता है भोंकना बंद कर, मेरा पुत्र है कुत्ता भोंकना देख रहे हैं ना उतरे, और नहीं जाओ यार मालिक जो कुत्ते की तरह भोंकने लग गए हैं, मैच इनकी हाथ में आ गई है, एजेंसी ने खेल दिया फिर भी इन्हें शर्म नहीं आ रही, पर्सनल जा रहे हैं वो बोलेगा फिर हम बोलेंगे, नाजायज बात नहीं कर रहा, नाजायज गल्ला कर रहे हैं, और नहीं यार किसी की पर्सनल लाइफ पे क्यों जा रहे हो आप लोग, मैं आप लोग की पर्सनल लाइफ पे जा रहा हूँ, ओनली लाइफ मुक गई ना तेरी खत्म हो गई, जा यार जा जा, तू ना 3 में 13 में उसके ढकी के मुंह बैठ जा उसके साथ, नहीं यार तुम्हारा नहीं हक बनता तू मेरी पर्सनल लाइफ पे, और वो गालियां निकाल के उसने लाइव मैच लीव कर दिया। और इतनी देर में जे प्लेस वगैरह ने आके उसको दोबारा बुलाया, जब वापस आया उमर उससे अंडरस्टैंडिंग वगैरह करके बात को खत्म किया और सॉरी सॉरी करके उसको चुमी शुमी बेच के वापस भेज दिया। ये एक ड्रामा पूरा चला जो चलो रियल लाइफ समझ आती है कि यार उसने जे प्लेस ने उसके पर्सनल लाइफ को अटैक किया तो चलो समझ में आता है यार ये रियल हो सकता है। बट आज से कुछ दिन पहले आज से कोई हफ्ता पहले डक्की भाई जा रहा था गाड़ी के अंदर अपने भाई मनीप को लेकर, और उसने गाड़ी के अंदर मनीप ने कहा यार तुमने क्या फॉर्च्यूनर रखी है, कोई पराठो शटो लो, कोई मजा आवे यार, सानू भी चास आवे गड्डी च बैठन दा, कैमरा हमारा सेट हो गया जी, यार फॉर्च्यूनर की जगह पराठो क्यों नहीं ले लेते आप, उसके लिए 40-50 मिनट का व्लॉग बनाना पड़ेगा, इतना वेला नहीं मैं। पाकिस्तान में जितने यूट्यूबर है किसी का व्लॉग 30 मिनट का नहीं होता, जस्ट रजब भट्ट है, तो इस बात से साफ नजर आता है कि डक्की ने रजब भट्ट की बात ही की है। सेकंड डक्की ने बात की भाई के पराठों की बात हो रही थी, ठीक है मनीप ने पराठों की बात की थी और रजब भट्ट के पास भी पराठो है, तो यहाँ से साफ नजर आता है कि डक्की भाई ने बात की है रजब भट्ट को, तो इन दोनों का मामला बढ़ गया। एक मैच में लाइव बैठा हुआ था डक्की और लाइव साथ ज्वाइन कर ली रजब भट्ट ने, और इनके आपस में इतनी तकरार हुई, इतनी प्रॉब्लम हुई, इतनी बात इन्होंने एक दूसरे को बातें सुनाई कि तुमने बोला गलत, डक्की ने ये रजब भट्ट ने डक्की को बोला कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने ये भाइयों वाली बात नहीं की, मैं तुम्हें बड़ा भाई समझता था, मैं तुम्हें अपना आइडियल समझता था,
क्योंकि मैंने जब स्टार्ट की थी तो तुमने ही मेरी हेल्प की थी मेरे अकाउंट को थोड़ी सेटवेट करने में। सो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इनकी बात खत्म होगी। तो डक्की ने कहा कि चलो क्यों ना जाते जाते एक मैच लगाते हैं, देखते क्या बनता है। तो रजब ने रोका, मेरी इस टाइम ऑडियंस सोई हुई है। तो रजब डक्की ने कहा कोई बात नहीं यार, एक दो का टाइम है, मेरी कौन सा, मैं कौन सा लाइव आता हूँ डेली। तो इन्होंने लाइव मैच लगा लिया जिसमें डक्की ने 200,000 पॉइंट्स की इसको बीट मारी रजब भट्ट को, और मैच जीत लिया। इन केस डक्की भाई ने रजब को पनिशमेंट दी कि तू कर डांस, डांस लाइक मुजरा। अब रजब भट्ट ने डांस करने से पहले शर्माता रहा, डक्की ने ऑप्शन दी चले यार तू अपने दोस्तों साथ भी कर ले, डॉगर साथ कर ले, तू हैदर के साथ कर ले, लेकिन तू कर। तो रजब भट्ट ने कोई खास किया नहीं, तो डक्की कहना लो जी फिर तू ते कुछ हो नहीं रहा, मैं आना मैं तेना कर देना। तो डक्की भाई ने भी उसके अंदर रजब भट्ट के साथ मिलकर डांस किया। ये आप क्लिप देख लो। इस सारे सीन के बाद इनकी बात क्लियर होगी, खत्म होगी सब। तो नेक्स्ट डे व्लॉग आया, ठीक है, रजब भट्ट ने उसमें बताया कि मैंने डक्की के साथ बात क्लियर कर दी थी, वो अपनी वादा को बता रहा था जिसमें, और लेकिन उसने साथ यह बोला कि मुझे लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि तू डक्की से डर गया है, तुझे शर्म आ गया, तू कर नहीं सकता, तू बच्चा है, तू काका है, तू लेपो, तू वड्डा हो गया, तू जे डक्की का मुकाबला करना है। तो लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए रजब भट्ट को, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सेल हो गए भाई जान। डेली बनाता और लोग देखते हैं, इतनी व्यूअरशिप आती है, सिर्फ मैं आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान। यार ये तो खुदा की तरफ से मिलती है, सुन लो ना बात, सुन लो, ठीक है। उसने मुझे रोस्ट कर दिया, अब मुझे लोग मैसेज करना शुरू हो गए टिकटॉक पर, मेरी उससे बात भी हुई लाइव, मैंने तुमने ये क्या किया, नहीं नहीं मैंने क्यों नहीं करी, उसने कहा मुझे ही था, प्राडो भी मेरे पास है और 35-40 मिनट की व्लॉग भी मैं करता हूँ, ठीक है। अब हम लोगों ने बात लेट गो कर दी, हमने कहा जाने दो, लेकिन इतने मैसेजेस, इतने लोगों ने इंसल्ट की, जाओ आपको रोस्ट कर दिया, जाओ आपको रोस्ट कर दिया, हमारा सर से पानी गुजर गया। जब हमारे सर से पानी गुजर गया ना, तो हम तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया, कि हम डक्की के घर जाएंगे, इसको इसके घर से उठा के लाएंगे। इतने साल हो गए कि डक्की के घर के बाहर अपनी गाड़ी लेके आ गए डक्की भाई को घर से उठाने। डक्की भाई डेढ़ घंटा घर से बाहर नहीं आया, रजब भट्ट डेढ़ घंटा घर के बाहर खड़ा रहा। इतनी देर में मुनीब भाई आए हैं मोटरसाइकिल लेके, दही लेने दूध लेने गए थे मोटरसाइकिल पे। मुनीब भाई आगे बाइक लगाते हैं, और मुनीब भाई आधा घंटा दही वाला शॉपर ही उतारी जाते हैंडल से, उनका शॉपर नहीं उतर रहा, शॉपर ना हो गया, ताले की चाबी हो गई जो ताला खुल ही नहीं रहा भाई। घर सामान लेके मोटरसाइकिल बाहर है, देखे नहीं तो ठीक है ना, मैं देखती ऊपर होने सामान लेके आया और मोटरसाइकिल यहीं पे खड़ी हुई है तो ठीक है ना। आ भी गया पता नहीं कहाँ, एक मिनट सर, किस तरह से गाड़ी रुकी है, तुम्हारी लड़की पास रुकी है, इसकी फैन आई होने है। अम्मा मुझे आइडिया था, अल्लाह माफी, ये कौन है। इतनी देर में रजब भट्ट साहब गाड़ी में आते हैं, गाड़ी के अंदर से उतर के अपनी शर्ट उतार के, वही शर्ट उसके पसीने वाली मुंह पे लपेट के भाई को बैठाते हैं गाड़ी के डिग्गी के अंदर, गाड़ी में बैठा के वो लेके जाते हैं किडनैप करके। मास्क पे ना डक्की खुद ही पीछे आ जाएगा, गाड़ी पीछे डॉगर फूक जैसी उसने बंदा बिठाया हुआ है, उस बंदे से मनीप को उसने ऐसा नीचे दबाया हुआ है, मनीप से स्क्रीन के से ऊपर मतलब सीटों से ऊपर आया ही नहीं जा रहा है, वो नीचे से बोल रहा है छोड़ो मुझे, कौन हो कौन हो कौन हो भाई, किडनैप किया, ऐसा किडनैप किया मैं कहता हूँ पहली दफा किडनैप किया भाई जान, किडनैप करके कहीं पे लेके नहीं जा रहे, किडनैप करके कहाँ लेके जा रहे, KFC अंदर जाके ले आया मैं खाना भाई, तू गड्डी रोक के रेस्टोरेंट से यार, मुझे भूख लगी है, मेरा कलेजा बाहर आ गया भाई, चलो चलिए खा लेते हैं, भूख शदीद लगी है, इसको भी पूछ लेता हूँ, वही ना वे भूखा ही बेचारा बैठा रहे, अरे हटा हटा दे मुंह तो हटा दे भाई, कुछ खाना ही भाई आप यार, कुछ खाना ही, भूख लगी हो, चुप कर रो यार, रोला ना पा, पब्लिक प्लेस है, चुप कर, रोला ना पा, जे रोला पावे ऐसे छोड़ दे, जे रोला पावे ऐसे छोड़ दे।
कुछ खाने के नहीं खाना मैं नहीं खाना यार ये बंद कर लू अनु बंद कर अनु बंद कर कुछ नहीं खाना बंद कर अनु कुछ नहीं खाना बंद कर बंद कर KFC ले जाके भाई से पूछ रही है हाँ भाई बर्गर खाएंगे तुझे हमने किडनैप किया है माशाल्लाह ऐसे किडनैपर आपको पाकिस्तान में किसी कोने में नहीं मिलेंगे आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे आपको यूनाइटेड स्टेट में नहीं मिलेंगे यूनाइटेड किंगडम में नहीं मिलेंगे ये पाकिस्तान के वाइट किडनैपर हैं जो ऐसे किडनैप करके उसको लेके जाते हैं KFC के हाथ ये बर्गर खिलाओ फिलहाल इसमें साफ सीन बीच में कुछ नजर आते हैं जो मैं एक एक डिटेल के साथ अगर आपको बताऊं तो मैं कहता हूं ज्यादा मजा आएगा इसमें कुछ सीन ऐसे आते हैं जिसमें ये मुनीब को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि तेरा भाई नहीं आया हमारा तेरे से कोई मसला नहीं है लेकिन वो जब उससे दोबारे होती है सर तो बीच में से मुनीब की नेल जाती है हंसी थोड़ी सी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में उठ गया कि ये सारा फेक है ये सारा स्क्रिप्टेड है ये जितना भी सीन चल रहा है फेक चल रहा है क्योंकि देखो आज अगर मुझे कोई किडनैप करता है तो मेरे घर वाले जाके पर्चे करवाएंगे जाके कहेंगे पुलिस को कि हमारा बेटा किडनैप हो गया और डक्की के घर वाले क्या कर रहे हैं डक्की घर आके कैमरा देख रहा है कैमरे में देख रहा है कि उसके भाई को किडनैप कर रहे हैं और उसके पापा पीछे लेटे आराम से देख रहे हैं अच्छा ऐसा क्यों हुआ सारी दुनिया से पंगे लिए हुए आपने कभी आप लोग मिलके नहीं रहते हर एक से लड़ाई आज कर आए जरा स्कूल साथ जाए स्कूल लेकर आए क्या जोक मारा भाई मजा आ गया भाई ये कोई टेंशन ही नहीं है बोस डक्की साहब जा रहे हैं डक्की भाई जा रहे हैं अपने भाई को बचाने और बीवी पीछे से आ रही है रुक जाओ अभी ना जाओ किसी को लेके जाना और डक्की भाई साहब अपने कमरे में वापस आगे चलो मैं मिले शेक पी लू पहले बंदे का भाई किडनैप हुआ और वो घर बैठ के मिले शेक पीता हो तो आप क्या कहोगे ये स्क्रिप्टेड है कि नहीं है भाई उसके बाद डक्की भाई ने सारी रात घर से निकले नहीं है नेक्स्ट डे चढ़ गया डक्की भाई नेक्स्ट डे ब्लॉग बना के हेलो जी सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सब्सक्राइब करने का कह रहे हैं प्रॉपर टेंशन नहीं है ब्लॉग बनाना है लाइव जाती है जाए भाई जाता है जाए ब्लॉग से मतलब होना चाहिए डक्की भाई ने नेक्स्ट डे भाई ब्लॉग स्टार्ट किया जिसमें बता रहे मैं मुनीब को लेने जा रहा हूँ डक्की भाई ने अपने बाबा ओपी दोस्त को बुलाया बाबा ओपी आके कहते हैं जी गाड़ी में से गन निकालनी है तो बताओ डिग्गी खोल के मतलब लाइक जस्ट दिखाने के लिए लोगों को बताने के लिए कि ये यार ये सीरियस केस है भाई एक कॉल करके मुझे बता दो देता कि भाई ये सीन हो गया है मैं एक सामान निकाल लूंगा क्या निकालना है भाई ओ बाबे नहीं नहीं इसकी जरूरत बाबे अलमिस की जरूरत नहीं है बाबे पर्चा हो जाएगा पर्चा हो जाएगा पर्चा हो जाएगा बाबे छुपा के रख फोड़ी ना निकाल दी अगर ज्यादा कांड हो गया फेड़ी निकाल के ऐसा नहीं है रजब भट्ट के घर के रजब भट्ट हैदर के घर स्टे करता है मुनीब को लेकर सारी रात उसको कुत्ते वाले पिंजरे में बंद करके रखता है मुनीब को अब नेक्स्ट डे डक्की भाई जाते हैं उनके घर जाके जी दरवाजा टॉप के अंदर जाते हैं अब यहाँ से 15 से 20 मिनट का तमाशा चलता है लड़ाई वाला ठीक है मुनीब को बचाते बचाते अब क्या हो रहा है जी रजब भट्ट का खास तरीन दोस्त रजब भट्ट का ऐसा दोस्त माशाल्लाह जिसको देख कर लगता है कि ये ग्रेट खली को मार के गिरा दे फूक जैसे फूकों वाली सरकार कह सकते हैं डॉगर अब डॉगर वो इंसान है जो लड़ाई के दौरान जस्ट यही सोची जा रहा है मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं अब वो जाके डक्की को पकड़ता है टांगों से पकड़ता है इतनी देर में उसको छोड़ के जाके बाबे को पकड़ लेता है फिर बाबे को छोड़ता है फिर उसको पकड़ लेता है और इस सारे केस को मुनीब बड़े आराम से कुर्सी से बैठा देख रहा होता है लड़ाई हो रही है मजा आ रहा है सारी लड़ाई हो रही है और इनके रजब भट्ट के दूसरे दोस्त बड़े प्यारे दोस्त जो के साइड पर खड़े वीडियो बना रहे हैं सारी प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं और वही वीडियो जो रजब भट्ट ने अपने ब्लॉग में यूज किया वही वीडियो डक्की भाई ने अपने ब्लॉग में यूज किया यानी कि इनकी आपस में इतना कंप्रोमाइज है कि एक दूसरे को वही वीडियो भेज रहे हैं किडनैप करने के बावजूद रजब भाई का दोस्ती डक्की भाई के लिए वीडियो बना रहा है इससे ज्यादा मैं कहता हूँ क्या दोस्ती हो सकती है इनके आपस में यहाँ पे भाई इन सारी बातों को देख के साफ पता चलता है ये स्क्रिप्टेड सीन है जितने सीन बीच में इनके फेक के नजर आए हैं बीच में हंस रही है नेक्स्ट डे डक्की भाई घर आ गई है जब उसको मुनीब को लेके घर आके डक्की भाई के पाओ पे बहुत बड़ा दाना निकल आया इसके बाद भाई जान हफ्ता कह रहे कि मैं वीडियो बना नहीं सकता भाई मैं वीडियो कैसे बनाऊ तो भाई
ये कर करके डाल दिया है। जब अपने वीडियो डाली, वीडियो के अंदर उसने कोई डक्की के ऐसे कुछ पार्ट्स डाल दिए जो उससे नहीं डालने चाहिए थे, तो इनका आपस में फिर कोई डोला चला, तो डक्की रजब भट्ट को ब्लॉग डिलीट करना पड़ गया, जबकि उसको 25 लाख व्यूज आ चुके थे तकरीबन 2 घंटों के अंदर। काफी ऐसे सीन होने के बावजूद इनके भाई रोले खत्म ही हो रहे, ये कह रहे जी अब हम जाएंगे फुल बार से जाएंगे, बाबा अपनी डक्की भाई के घर बंदे लेके आ रहा है कि हम बंदे मेरे साथ आ गए हैं तो मेरे साथ जाने वाला बंद और बंदों को लेके ये हॉस्पिटल दाना चक्करवाने जा रहे हैं। कितनी देर अब ये पता नहीं इनका तमाशा चलेगा, रोला चलेगा, बात करने का मकसद था टिकटॉक का, टिकटॉक से बात कहां पे चलेगी, कहां से कहां पे चलेगी, डक्की टिकट आ गई। तो भाई स्क्रिप्टेड सीन को स्क्रिप्टेड समझे, एक दूसरे को कमेंट में गालियां निकालने की जगह स्क्रिप्टेड का कमेंट कर दिया करो यार, रोला मकाया करो, तुसी भी कहते नहीं जी उन्हें सच्ची किता। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक वो डक्की भाई या ब्रजो भट्ट के फैन होते हैं, अगर हम कह देंगे स्क्रिप्टेड है, आई नो मेरे कमेंट्स भी आएंगे मुझे भी, अगर मेरी किसी डक्की भाई या ब्रजो भट्ट के फैन ने वीडियो देख ली तो वो यही बोलेगा यार तू कौन होता है भाई बोलने वाला, वो हेटर्स होते हैं, लाइक हेटर्स नहीं होते, वो सारी बात है जब उनको उनसे मोहब्बत है तो उनके मोहब्बत में वो कुछ ना कुछ अल्फाज तो पेश करेंगे ना मेरे खिलाफ। तो सीधी बात नो बकवास करके हम वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको भाई की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, खुदा हाफिज़।